नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में मिले 8 नए कोरोना संक्रमित। SC ST छात्रवृत्ति योजना के लिए 48 करोड़ जारी। पटना से सीता साहू आगे, बेतिया में पूर्व डिप्टी CM की बहू हारी। CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल जारी। क्रिकेटर ऋषभ पंत का हुआ कार एक्सीडेंट, दिल्ली हुए रेफर। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। वैज्ञानिकों की खोज में बाल प्रतिभाओं को आगे लाएगी सरकार। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से भविष्य के वैज्ञानिकों की तलाश को लेकर विज्ञान के बाल प्रतिभाओं को आगे लाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कक्षा 7, 8 और 9वीं के बच्चों के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित करवाई जाएगी। इनमें से जिन बच्चों का चयन किया जाएगा उन्हें 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के अवसर पर जिला स्तर और फिर राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। इसके साथ ही यह भविष्य में और बेहतर कर सके इसके लिए उन्हें सरकार के द्वारा हर स्तर पर सहयोग दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस परीक्षा का आयोजन फरवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा। पटना से सीता साहू आगे, बेतिया में पूर्व डिप्टी CM की बहू हारी। बिहार नगर निकाय चुनाव का मतगणना जारी है। ऐसे में अगर पटना नगर निगम चुनाव की बात करें तो यहां की काउंटिंग के अनुसार न्यूज लिखे जाने तक मेयर पद के लिए खड़ी हुई सीता साहू 13,000 वोट से आगे चल रही है। वहीं दूसरी ओर बेतिया से मेयर पद के लिए खड़ी हुई पूर्व उप मुख्यमंत्री की बहू सुरभि घई को 65,000 मतों से गरिमा देवी सिकारिया से हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि गरिमा देवी सिकारिया कुल 75,000 मत पाकर बेतिया नगर निगम की मेयर बनी है। डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को मिलेगा साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार। बीते दिन गुरुवार को साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास ने जानकारी देते हुए बताया कि लनामी विवि के PG इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष मिथिला के चर्चित इतिहासकारों में शुमार 77 वर्षीय डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को साहित्य अकादमी के 2022 का अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें यह पुरस्कार चमन नाहल के अंग्रेजी उपन्यास आजादी की मैथिली अनुवाद के लिए प्रदान किया जाएगा। बता दें कि डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र अक्षर साधना के क्षेत्र में भी गंभीर दखल रखते हैं। वहीं अगर इनके द्वारा रचित कृतियों की बात करें तो मैथिली प्रकाशित आधुनिक मिथिलाक ऐतिहासिक आयाम के साथ ही हिंदी में विनोदानंद झा समेत कई कृतियां हैं। हिरासत में संदिग्ध चीनी महिला। बिहार के गया में पुलिस की टीम ने संदिग्ध महिला को अपने हिरासत में ले लिया है और फिलहाल उस महिला से पूछताछ जारी है। मिली जानकारी के अनुसार यह चीनी महिला पिछले 2 सालों में गया और बोधगया के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में रह रही थी। वहीं सुरक्षा एजेंसियों को यह भी शक है कि यह चीनी महिला बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा की जासूसी कर रही थी। इसी को देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी और बिहार पुलिस ने इस चीनी महिला के खिलाफ और दलाई लामा के होने वाले टीचिंग कार्यक्रम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया था। हालांकि अब तक चीनी महिला के भारत में रहने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बिहार के शिवम सिंह ने इंडियन आइडल के मंच पर मचाई धूम। बिहार के लाल शिवम सिंह TV के फेमस रियलिटी शो इंडियन आइडल में अपने आवाज का जादू बिखेर रहे हैं और साथ ही वे हर एपिसोड में अपने गाने से जज का दिल जीतने में कामयाब हो रहे हैं। बता दें कि हाल ही में शिवम सिंह एक एपिसोड में बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा के साथ मेरा दिन ये पुकारे गाने में डांस करते नजर आए। दरअसल शिवम के परफॉर्मेंस के दौरान जेनेलिया ने शिवम के साथ डांस करने की अपनी इच्छा जाहिर की, जिसके बाद शिवम और जेनेलिया ट्रेंडिंग सॉन्ग दिल ये पुकारे पर खास अंदाज में डांस किया। शिवम शो के दौरान अक्सर ही सादगी भरे अंदाज में नजर आते हैं। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में मिले 8 नए कोरोना संक्रमित। बिहार में पिछले 24 घंटे में 51,274 कोरोना जांच किए गए, जिनमें 8 नए केस सामने आए हैं। इनमें से 7 केस ऐसे हैं जो गया से मिले हैं, तो वही एक कोरोना का केस बिहार की राजधानी पटना से मिला है, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। वहीं बिहार में कोरोना मरीजों की रिकवरी प्रतिशत 98.552% है। इस बात की जानकारी बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ट्वीट शेयर कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद अभी राज्य में जो भी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनका जीनोम सीक्वेंसिंग IGIMS में कराना सुनिश्चित कराया जा रहा है। आंगनवाड़ी सेविकाओं ने किया हड़ताल का आह्वान। आंगनवाड़ी सेविकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलवाने को लेकर आंगनवाड़ी सेविकाओं ने बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में हड़ताल का आह्वान किया है। समिति की राज्य अध्यक्ष अनीता झा का इस हड़ताल को लेकर कहना है कि जब तक सेविकाओं को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा नहीं दिया जाता है तब तक सेविका को 18,000 और सहायिका को 12,000 मानदेय दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि मानदेय के रूप में 25% बढ़ोतरी का भी वादा किया।
गया था, जो आज तक पूरा नहीं किया जा सका है। बता दें कि आंगनवाड़ी सेविकाएं 2 से 8 जनवरी तक काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे, उसके बाद एक दिवसीय हड़ताल पर जाएंगे। SC/ST छात्रवृत्ति योजना के लिए 48 करोड़ जारी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा 48 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं, जिसमें 10वीं पास छात्र छात्राओं के लिए 27 करोड़ और इंटर के छात्र छात्राओं के लिए 21 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाले छात्र छात्राओं को वृत्तिका योजना के तहत 10,000 जबकि द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण को 8,000 रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह इंटर की परीक्षा की प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वालों को 15,000 और द्वितीय श्रेणी में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। जिलों के विकास को लेकर नीति आयोग बना रही है योजना। नीति आयोग के द्वारा विकास के पैमाने पर राज्यों और जिलों के बीच के विसंगतियों को दूर किया जा सके, इसके लिए जिला केंद्रित योजना बनाने की पहल की जा रही है। नीति आयोग के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार राज्यों को जिला को आधार बनाकर योजना बनाया जाएगा। इस मुद्दे को नई दिल्ली में 5 से 7 जनवरी के बीच आयोजित होने वाली द्वितीय राष्ट्रीय मुख्य सचिव कॉन्फ्रेंस में भी रखा जाएगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में नीति आयोग के द्वारा राज्य के हितधारकों के साथ कई राउंड की वर्चुअल बैठक भी की गई है। विसंगतियों के तहत अगर बिहार राज्य में जिलों की बात करें तो पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे जिलों की तुलना में शिवहर, अररिया, बांका और नवादा का विकास कम हुआ है। CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल जारी। CBSE के द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जारी टाइम टेबल के अनुसार 10वीं और 12वीं दोनों बोर्ड की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू हो रही है। वहीं 10वीं का अंतिम एग्जाम 21 मार्च और 12वीं का अंतिम एग्जाम 5 अप्रैल को होगा। वहीं दोनों क्लासेस की प्रैक्टिकल्स परीक्षा 2 जनवरी से 14 जनवरी के बीच होगी। इसके साथ ही नोटिफिकेशन के अनुसार क्लास 10 से और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा, इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट वर्क 1 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएंगे। बताते चले कि परीक्षाएं अब 100% सिलेबस पर होंगी। जीविका परियोजना पर आमिर सुभानी का बयान। बीते दिन बिहार की राजधानी पटना में आयोजित 15 दिवसीय सरस मेला का अंतिम दिन था। ऐसे में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुभानी शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान सभी को संबोधित करते हुए कहा कि जीविका परियोजना एक आंदोलन की तरह है, जो आज के समय में नित नई सफलताएं हासिल कर रही है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बिहार सरस मेला सुपर हिट रहा और इसका सारा श्रेय जीविका दीदियों और बिहार समेत सभी राज्यों से महिला उद्यमियों और आगंतुकों को दिया जाता है। इसके अलावा सबसे गर्व की बात यह है कि प्रधानमंत्री के समक्ष जीविका के प्रस्तुतीकरण व फिल्म प्रदर्शन के लिए नई दिल्ली में आमंत्रित किया गया है। दलाई लामा से मिलेंगे सीएम नीतीश। आज यानी शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोध गया जा रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा से होगी। बता दें कि इन दिनों दलाई लामा अपने टीचिंग कार्यक्रम को लेकर बिहार के बोध गया में है। वहीं इस कार्यक्रम में उनसे मिलने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु आ रहे हैं। इसी क्रम में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनसे मिलने वाले हैं। दरअसल पिछले दिनों एक चीनी महिला के गायब होने की खबर आई थी और उस महिला पर यह भी आरोप लगाया गया था कि वह महिला दलाई लामा की जासूसी कर रही थी, जिसके बाद दलाई लामा के सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। वहीं इस घटना के बाद अब नीतीश कुमार खुद दलाई लामा से मिलने जा रहे हैं। हालांकि यह कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश का यह कार्यक्रम पहले से निर्धारित था। वहीं नीतीश कुमार और दलाई लामा के इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात माना जा रहा है। प्रधानमंत्री की मां के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया शोक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट कर कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मां श्रीमती हीराबेन जी का निधन दुखद है। मां का निधन असहनीय और अपूर्णीय क्षति होता है। मां का स्थान दुनिया में कोई नहीं ले सकता। दिवंगत आत्मा की चीर शांति तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना है। बता दें कि पीएम मोदी की मां का निधन 100 साल में हुआ है। वहीं इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ट्वीट कर दी गई। क्रिकेटर ऋषभ पंत का हुआ कार एक्सीडेंट, दिल्ली हुए रेफर। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। वह सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ऋषभ पंत दिल्ली से अपने होम टाउन रुड़की लौट रहे थे। इस बीच रास्ते में उनका भयंकर सड़क हादसा हो गया। उनकी BMW कार डिवाइडर से टकरा गई और उसमें आग लग गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ऋषभ पंत को पास ही एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऋषभ को दिल्ली रेफर कर दिया गया है। सिर, पीठ और पैर में गंभीर चोट लगी है। पंत को श्रीलंका के खिलाफ टीम में जगह नहीं मिली, जिसके बाद वह दिल्ली से अपने घर रुड़की जा रहे थे।
जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बिट्टू कुमार राज, नीतीश राज, मृत्युंजय कुमार, उमेश ऋषिदेव, कुश कुमार यादव, मोहम्मद सकीर हुसैन, मोहम्मद अजमेर, गौतम यदुवंशी, राखी रॉय, परमात्मा सिंह, रंजीत यादव, भान प्रकाश मौर्य, नुन्नू गोलू कुमार, दीपक कुमार, रवि कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार आंगनबाड़ी सेविकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।